हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू गिव द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। दिस पोएम इज कंपोज बाय शर्ली टॉल्सन, हु इज ए गुड पोएटेस। आइए हम आपको इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन बता दें, सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दें। कवि जी कहती हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। कवि जी कहती हैं, वो अपने कमरे में लगे हुए एक कार्डबोर्ड को देखती हैं, एक जिसमें कि फ़ोटो लगी हुई है। उस फोटो में उनकी मम्मी हैं और उनकी मम्मी की दो कज़न हैं, और वो फ़ोटो ये शो करती है कि किस तरीके से कवित्री जी की मम्मी और उनकी दो कज़न्स पैडलिंग करने गई थी, यानी समुद्र के पास घूमने फिरने गई थी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज वेन द टू गर्ल्स कज़न्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। कमरे में लगे हुए कार्डबोर्ड एक तरीके का फ्रेम होता है जिसमें फोटो लगी होती है, चिपकी होती है। वो फोटो ये दिखाती है कि किस तरीके से दो कजन्स बहनें समुद्र के पास यात्रा करने गई थी, और उन लोगों ने, उन दोनों बहनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, और वह का मतलब कवि जी की मम्मी, और कवि जी की मम्मी बड़ी लड़की थी, इसीलिए तो हाथ पकड़ा हुआ था। सम 12 ईयर्स आर सो। कवि जी कहती हैं कि ये घटना लगभग 12 साल पहले की है, 12 वर्ष पहले की है, जिस मोमेंट का वो फोटोग्राफ है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. ये तीनों बहनें शांत खड़ी हुई हैं, मुस्कुरा रही हैं, उनके बाल बिखर रहे हैं, और एक अंकल जी कैमरे से उनकी फ़ोटो खींचे हुए हैं। ए स्वीट फेस। कवि जी कहती हैं कि उनकी मम्मी का जो चेहरा है बहुत ही मधुर चेहरा है, सुहाना चेहरा है। माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये मेरी मम्मी का वो चेहरा है जो उस समय का चेहरा है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, अर्थात उस समय जो है कवित्री की मम्मी की शादी भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और कवित्री जी कहती हैं कि जो ये सागर है, ये सागर तो आज तक है और ये ज़्यादा कुछ बदला भी नहीं है, लेकिन इसी सागर ने कभी बहुत भयानक रूप से उनके पैरों को धो डाला था। तो ये था आपका पहला स्टंजा। अब दूसरा स्टंजा समझें। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। वह उस फोटो को देखकर हंसती है। सी बेटी एंड डॉली, सी हैड टू से, और हंसते हुए कहती है, किससे कहती है, कवित्री से कहती है, यानी कि अपनी बेटी से कहती है, उसकी बेटी ही तो कवित्री है। तो कहती क्या है, सम 20-30 ईयर्स लेटर सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली। लगभग 20 या 30 साल बाद वह हंसती है उस फोटोग्राफ को देखकर, अपने बचपन के फोटोग्राफ को देखकर हंसती है, और वो कहती है सी बेटी एंड डॉली। क्या कहती है कि जरा बेटी और डॉली को तो देखो, उस फोटो में जो दो कज़न हैं जो मम्मी का हाथ पकड़ी हुई हैं, उनके नाम क्या हैं, बेटी और डॉली। तो वो कहती है बेटी और डॉली को तो देखो,
सी हेड से, और वो कहती है एंड लुक हाउ दे ड्रेज अस फॉर द बीच, और वो ये भी कहती है जरा देखो कि समुद्र तट पर जाने के लिए उन लोगों ने या हम लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। यानी कवि की माँ ये कहना चाहती है कि बचपन में जो कपड़े पहने हुए हैं वो लोग काफ़ी फनी लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। कवि जी कहती हैं कि उनकी मम्मी अपनी छुट्टी सागर के पास जाकर बिताती थी, इससे उनको खुशी मिलती थी, माइन इज हर लाफ्टर, और मुझे तो अपनी मम्मी की हंसी से ही खुशी मिलती थी। बोथ राई विद द लेबर्ड इज अ प्लस, बोथ राई विद द लेबर्ड इज अ प्लस। फिर कवि जी आगे बोलती हैं कि धीरे धीरे करते हुए दोनों को ये चीज़ें खो गई, मतलब दोनों की खुशियां धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से आपका दूसरा स्टंजा था। अब आइए तीसरे स्टंजा पर ध्यान दें। तीसरे स्टंजा में कवित्री जी कहती हैं नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। फिर कवित्री जी कहती हैं कि अब उनको मरे हुए उतने साल हो गए जितने साल कि वो फोटोग्राफ में दिख रही थी। एंड फॉर दिस सरकमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और अब इन परिस्थितियों में कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंस, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये पोएम समाप्त हो गई। कैसी लगी ये पोएम, इसका फीडबैक आप दीजिएगा, कमेंट करिए और इसे शेयर करिए। क्लास 11th CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए शेयर करिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।